मैं हूं शोभना गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव खबर। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश अनुसार जनपद गाजियाबाद में मादक पदार्थ, शराब आदि नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में आबकारी निरीक्षक हेमलता रंगनानी सहित पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिकंदरपुर कटसेक मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से पंजाब ट्रक में आलू की बोरी के बीच में शराब छुपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस टीम ने मौके से 655 पेटी बरामद की हैं और वहीं एक अभियुक्त ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया। अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि शराब की कीमत लगभग 32 लाख रुपए आकी गई है, जिसमें कई ब्रांड शामिल हैं। शराब तस्कर की पहचान सुखदेव सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में आज एक्साइज की टीम और थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही में अवैध शराब की एक खेप पकड़ी गई है, जिसमें 655 पेटी शराब बरामद हुई है जो लुधियाना से ले जाई जा रही थी अन्यत्र। इसमें एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एक आध नाम और आ रहे हैं तो उनके बारे में भी तलाश की जा रही है और जो लीगल एक्शन है वो लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके उस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और इसकी कीमत करीब 30 लाख के आसपास आंकी गई है। तो इसी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राजेश भास्कर की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ।